नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश यूटेक में। तो गाइस यार, यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 सभी छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर DW से बड़ी अपडेट है और ऑफिशियल जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। भले ही माहौल जो है वो खत्म हो चुका है स्कॉलरशिप को लेकर, मगर फिर भी जो आवाज़ है वो इधर वो छात्र परिषद के द्वारा हो या फिर स्वयं असीम अरुण जो मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, उनके द्वारा जो बयान है वो सामने निकल के आ ही जाता है। और ऐसे में छात्रों के अंदर उम्मीद जो है उसका जगना लाजमी हो जाता है। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक करेंगे तो कोई भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से मालूम चलेगा। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट। सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए विद्यार्थी परिषद ने उठाई आवाज। जी हाँ, कॉलेजों में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति समय पर न मिलने के विरोध में अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आ चुका है, परिषद आ चुका है। और गुरुवार को परिषद के सदस्यों ने, यहाँ पे आपको बता दूं कि समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सौंपे जा रहे हैं, यह आजमगढ़ की बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। वहीं कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आक्रोश भी है गवर्नमेंट के प्रति, अधिकारियों के प्रति, इवन दो अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट के प्रति भी आक्रोश है। वो है कि भाई छात्रवृत्ति के ही तर्ज पे हजारों लाखों की संख्या में छात्र पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और ऐसे में अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो आने वाले समय में प्रॉब्लम्स जो है उनका होना। आपको बता दूं इस मौके पर मीडिया से बातचीत में जिला संयोजन आलोक मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष महाविद्यालय व तकनीकी व व्यावसायिक संस्थान आदि में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अभी तक प्रदान नहीं की गई। ऐसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के भरोसे अपनी पढ़ाई करते हैं उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। आपको बता दूं समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि छात्रवृत्ति से जुड़े मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार करके उन्हें दी जाए और ऐसे में छात्रों के अंदर एक काफी अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कई सारे छात्रों का कहना है सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। तो वहीं कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सर आप सही कह रहे हैं, स्कॉलरशिप जो है वो हो सकती है आ जाए। और देखिए सारा कुछ जो है वो डाटा के ऊपर है, एक हफ्ते के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि चांसेस मेरे हिसाब से बेहद कम है, मगर जो भी अपडेट होगी अच्छी बुरी और ऑथेंटिक तरीके से हम आप तक पहुँचाएंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और जो भी अपडेट होती है हम वीडियो के माध्यम से तो आपको पहुँचा ही रहे हैं। आपको बता दूँ कि जो भी अपडेट है वो लगातार छात्रों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से। आपको मालूम होगा पिछले 6 से 7 महीने से अपडेट जो है स्कॉलरशिप से छोटी बड़ी हर एक अपडेट को दे रहा हूँ। और अगर माहौल देखिए स्कॉलरशिप का फिर बनता है तो बताया जाएगा, नहीं बनेगा तो उसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।